नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। देश के अलग अलग शहरों में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद देश की राजनीति में भी उबाल देखने को मिला। वहीं अब बिहार के नालंदा और रोहतास में हुई हिंसा मामले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। जी हां, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार शरीफ और सासाराम हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोल दिया है। ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि बिहार शरीफ में एक 100 साल पुराने मदरसे को जला दिया गया, एक मस्जिद की मीनार को डैमेज कर दिया गया, वहां मुसलमान समुदाय के लोगों की दुकानों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इस घटना में बड़ी प्लानिंग की गई थी। ये प्लानिंग वाली बात विपक्ष खड़ी कर रहा है और बार बार कर रहा है कि जिस तरीके से रामनवमी पर देश के अलग अलग शहरों में हिंसा हुई, ये कोई इत्तफाक तो नहीं था। हिंसा होना एक पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था। बिहार के नीतीश कुमार सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार को यह मालूम था कि नालंदा एक संवेदनशील जिला है, इसके बाद भी गड़बड़ी हुई। ये बिहार में जो कुछ हुआ है उसमें सरासर सरकार ही जिम्मेदार है, ये साफ तौर पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है। उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, ये आरोप है। उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, मौजूद थी कि यहां पर हिंसा हो सकती है। 2016 में भी नालंदा में इस तरह की हिंसा हुई थी। अफसोस की बात यह है कि बिहार शरीफ में मदरसे अजीजिया को पूरा जला दिया गया, 100 साल का मदरसा, 4000 किताबों को जला दिया गया, दुर्लभ दस्तावेजों को जला दिया गया। इस घटना को लेकर सीएम नीतीश कुमार को कोई तकलीफ तक नहीं हुई, जबकि ये पूरी तरह से हुकूमत की नाकामी है। कल इफ्तार पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन ली, शॉल पहन ली, कुछ तो हमदर्दी दिखाते या कुछ गम जताते। या असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को लपेटे में लिया है, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि नीतीश कुमार की गद्दी अब हिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी का नेता कहते हैं कि उन्होंने ट्वीट किया, जुबान से बोलना ना निंदा करो, ये पूरी तरह से खुली साजिश है। ओवैसी ने आगे कहा कि बिहार की हिंसा के जरिए बीजेपी अपने वोटरों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार के मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर ओवैसी ने कहा कि इससे केवल काम नहीं चलेगा, आप सत्ता में हैं, मंत्री हैं, पावर है। अब तक तेजस्वी और नीतीश ने उस मदरसे का दौरा तक नहीं किया, अब तक सरकार ने मुआवजे का ऐलान तक नहीं किया, अब तक उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिनकी मौजूदगी में हिंसा हुई थी। सरकार की पूरी तरह से नाकामी रही है। ओवैसी ने कहा कि देश के गृह मंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार होती तो वह उल्टा लटका देंगे। मैं पूछता हूं कि वडोदरा में क्या हुआ, कर्नाटक में झगड़ी पासा को जिसने मारा, क्या उसको उल्टा लटकाएंगे? कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, इसके बाद भी झगड़ी पासा को रामनगर जिले से अगवा करके 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, नहीं देने पर उसकी लिंचिंग कर दी गई। हरियाणा में जुनैद को मार दिया गया, क्या गृह मंत्री मरवाने वाले को उल्टा लटका चुके हैं? जो भी हिंसा होती है उसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं, जुलूस निकालने वालों की भी जिम्मेदारी होती है कि हिंसा ना हो। ओवैसी के ये कई सवाल जो बिहार में इस वक्त बवाल मचा रहे हैं, ये सवालों का बवाल मचना तो तय था, क्योंकि ओवैसी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि नीतीश की गद्दी तो हिली लेकिन साथ साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा गया है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।